का इस वक्त गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर 12 सितंबर को होगी दोबारा मतगणना। कोर्ट के आदेश पर होगी दोबारा मतगणना। ग्राम पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था। फतेहपुर ग्राम प्रधान पद के लिए फिर से होगी मतगणना। आरोपों को लेकर एक पक्ष ने कोर्ट में दायर की थी याचिका। उप जिलाधिकारी न्यायालय से आदेश हुआ पारित। तहसील करनेलगंज में होगी फिर से मतगणना। विकासखंड करनेलगंज अंतर्गत फतेहपुर का मामला बताया जा रहा है। 12 सितंबर को होगी दोबारा से मतगणना। कोर्ट के आदेश पर यह मतगणना दोबारा से कराई जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव में धांधली का इससे पहले आरोप लगाया गया था। फतेहपुर ग्राम प्रधान पद के लिए यह मतगणना दोबारा कराई जाएगी। आरोपों को लेकर एक पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उप जिलाधिकारी न्यायालय से आदेश हुआ है पारित। तहसील करनेलगंज में होगी फिर से मतगणना। विकासखंड करनेलगंज अंतर्गत फतेहपुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो 12 सितंबर को यह दोबारा मतगणना कराई जाएगी। कोर्ट के आदेश पर यह दोबारा से मतगणना की जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था। फतेहपुर ग्राम प्रधान पद के लिए यह मतगणना दोबारा से कोर्ट के आदेश पर कराई जाएगी। आरोपों को लेकर एक पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी खबर पर गोंडा से प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता दें, जो ये ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें धांधली को लेकर एक पक्ष के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि पुनः मतगणना कराई जाए। मतगणना में कुछ धांधली थी उसी को लेकर, इससे केजीएम जो उसे जो मजिस्ट्रेट है उनके यहाँ याचिका दायर की गई। उसके बाद में दूसरा पक्ष हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट के बाद में वहाँ याचिका खारिज की गई और पुनः उप जिलाधिकारी करनेलगंज के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि आगामी जो 12 तारीख है, 12 तारीख को पुनः मतगणना कराई जाएगी। और ये करनेलगंज विकासखंड के अंतर्गत फतेहपुर एक गाँव पड़ता है, वहाँ का ये पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। तो आपको बता दें कि उप जिला अधिकारी के आदेश पर ये दोबारा मतगणना की जाएगी। तहसील करनेलगंज में होगी ये मतगणना फिर से। विकासखंड करनेलगंज अंतर्गत फतेहपुर का मामला।